जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित रेड क्रॉस भवन में मिथिलेश झा मेमोरियल फाउंडेशन का पहला रक्तदान शिविर शुक्रवार को आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन एसएसपी प्रभात कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई भी की। बता दें कि मिथिलेश झा का आज 43वां जन्मदिन है। इसी साल 18 जनवरी को सड़क दुर्घटना में मिथिलेश झा की मौत हो गई थी। मिथिलेश झा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। बीते 12 वर्षों से उनकी ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा था। उनके असामयिक निधन से उनके चाहने वालों को घोर निराशा हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मिथिलेश झा की स्मृति में फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फाउंडेशन के अमलेश झा ने बताया कि फाउंडेशन का उद्देश्य गरीब आदिवासियों एवं जरूरतमंदों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना है, ताकि मिथिलेश झा के अधूरे सपनों को साकार किया जा सके। मिथिलेश झा मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना हम लोग मिथिलेश झा की याद में किए हैं। 18 जनवरी को उसका एक्सीडेंट में दुर्घटना में मौत हो गया था। इसकी वजह से हम लोग स्मृति में ही रखे हैं उसको जीवंत करने के लिए इस फाउंडेशन की स्थापना किए, और आज उसका जन्मदिन है, 43वां जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। उसका भी उद्देश्य हम रहता था ब्लड किसी को दिक्कत नहीं हो। पिछले 12 साल से उसके कहने से हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाया करते थे। आज पहली बार है कि उसके बिना हम लोग ये कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। आज उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह किया गया है आयोजन। और इस संस्था का उद्देश्य हम लोग गरीब बच्चियों का सहायता, उनकी पढ़ाई के लिए खर्चा उठाने का कोशिश करेंगे। आदिवासियों में या और किसी भी गरीब घर में जो भी बच्चियां होंगी, पढ़ने लिखने में तेज होगी और उसको पढ़ाई का खर्चा नहीं मिल रहा होगा, उसमें सहायता करेंगे। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने संस्था के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मिथिलेश झा के निधन पर संवेदना प्रकट करते हुए संस्था को हर जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। जहां भी मेरी जरूरत होगी, किसी भी रूप में, आप मुझे एक बार याद कर लीजिए, मैं हाजिर रहूंगा। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, करता रहूंगा। कभी जरूर खल रही है उनकी, पर ईश्वर को जो उनकी जो मर्जी होती है वही होता है। कैंप में ब्लड डोनेशन को लेकर लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते दिखे। मौके पर शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।